हमारी सरकार ने एक यहां धर्म के आधार पर मुस्लिम रिजर्वेशन था, 4% रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वोट बैंक की लालच में पड़े बगैर ये मुस्लिम रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया है। हम मानते हैं कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, और मुस्लिम रिजर्वेशन समाप्त करने के बाद एसटी एससी वोकलिगा और लिंगायत सबके रिजर्वेशन में बढ़ोतरी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। एससी भाइयों के रिजर्वेशन में भी हमने आंतरिक आरक्षण इंटरनल रिजर्वेशन करा है, एससी लैब के लिए 6% करा है, एससी राइट के लिए 5.5% करा है, और बाकी सारों के लिए भी 5.5% कर हमने सामाजिक न्याय को ठीक करने का प्रयास किया है। ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो मुस्लिम रिजर्वेशन फिर से आएगा। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष महोदय कि आप 4% मुसलमान रिजर्वेशन वापस लाओगे तो किसका कम करोगे? वो कलिगा का कम करोगे, लिंगायतों का कम करोगे, दलितों का कम करोगे, या एसटी का कम करोगे, या ओबीसी का कम करोगे? माताओं भाइयों बहनों, क्या आप चाहते हैं वो कलिगा और लिंगायत का रिजर्वेशन कम हो? चाहते हैं क्या? आप चाहते हैं कि एससी रिजर्वेशन, शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन कम हो? अगर 4% कांग्रेस बढ़ाना चाहती है तो किसी का कम करना पड़ेगा। मैं कांग्रेस को इस मंच से पूछना चाहता हूं, आप किसका रिजर्वेशन कम करोगे ये आप बताइए।